सब्सक्राइब प्लीज। अलार्म बंद कराओ भाई गॉड, सुबह 6 बजे से परेशान हो रहा हूँ मैं। स्नूज भी नहीं होता हूँ। हाँ यार, और स्नूज भी नहीं हो सकता हो यार। मतलब सुबह भाई 6 बजे से बंदर घूम रहे हैं ना यहाँ पे, क्या बताऊँ कितने बंदर घूम रहे हैं। मतलब फटाफट अच्छा कच्चे दिख जाएंगे क्या? मतलब इतने बंदर घूम रहे हैं भाई, ऊपर इनका टीन शेड है और उस पर जो कूदता है ना बंदर, उसकी आवाज़ आती है भटा 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 भटा। 6 बजे के बाद नींद नहीं आई भाई। 6 बजे के बाद अलार्म बजता है। 6 बजे के बाद से मुझे नींद ही नहीं आई है, कतई नहीं आई है, एकदम ऐसा है कि बस ख़त्म, मैं तो मर गया। अभी हम जा रहे हैं पवन भैया के नए वाले प्लॉट पे, मतलब नए वाले घर पे, जो बना था तुम लोगों ने वैसे वीडियोस में देखा ही होगा, नहीं देखा तो कमेंट कर दो, अभी दिखा दूँ। ठीक है ना, मतलब देख चुके हो तुम लोग बहुत बार, जब कंस्ट्रक्शन शुरू ही हुआ था तब से देखा है तुम लोगों ने। मतलब ऐसा एकदम फ्लैट भी देखा है, चुना हुआ भी देखा है, अब पूरा बंदे हुए भी देख सकते हो। हैं, देखा है ना, पूरा देखा है, पूरा दिखा हुआ। अब तो छत हो गई थी ना, छत तो अपन नहीं करवाई थी, उसी टाइम पे हो गई थी, मैं भी आया था। ब्लॉग बना रही है अंदर, ब्लॉग नहीं बना रही, वो आ रही है बस। चलो, रानी उधर खड़ी है, वो पवन भैया की स्प्लेंडर और खड़ी है साथ में, उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, एक ऑटो और एक स्प्लेंडर। हाँ, एस्कॉर्ट कर रहे हैं भैया। दरवाज़ा क्यों नहीं लगवा लेते आप इसमें? दरवाज़ा क्यों नहीं लगवा लेते, चादरों से काम चला रहे हो? दरवाज़ा खुल जाएगा। अच्छा, हाँ ये सही बात है, लाइट है तो इन इनमें। तब जब मैं आऊंगी एक कमरा अलग से रखना। ये बेटा ये अपने नहीं है ना, पवन भैया का है। पड़ गए भाई घोबड़ी में, उसकी डंडे की लग गई। हां, ये रूम ही है, किचन है तो मंदिर इलाका है। नहीं, किचन नहीं, ये किचन है, ये रूम है, वो बड़ा बेडरूम, बड़ा वाला बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, उसका वेंटिलेशन अंदर और उसका बाथरूम सेम है, दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है आपस में। तो कहां जा रही है? लगा मत लेना, लगा मत लेना। आजा आजा बालक। चलो ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर जाके देखते हैं। वाह, ये एलवी शादत के घर की तरह है, एक यहां है क्या? हां, इधर एलवी शो है। अच्छा, मैं किधर से जाऊं? मेरे लिए बीच में से बनवाओ। मेरे लिए बीच में से बनवाओ। अच्छा, मैं तेरे साथ आऊंगा क्या? मैं क्या सोच रही, वाह मुझे सिक्का मिला। कहां है सिक्का? अच्छा बेटा, चलो जी, छत में आ गया। अच्छी है छत भी, ठीक, मतलब हमारे सामने डली है वैसे ये छत ना। उस दिन पवन भैया ने छुट्टी करी थी ऑफिस की, पूरा दिन भर हम थे ऑफिस में, फिर दादा को भी ले आए थे हम यहाँ पे। चलो चलो भैया, अब तो परमानेंट छुट्टी चल रही है अपनी ऑफिस से भैया, ऐसा ही मामला है। सही बात, चलो निरीक्षण। हाँ, ये टॉर्च तो बंद कर लो अब तो, आगे ऊपर। अच्छा, वैसे इलाका अच्छा है पर धूल मिट्टी बहुत उड़ रही इसमें। पवन भैया ने आज हमें भूखो मार लिया, इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। ये तो जिसमें से बेहोश होकर गिरने वाली थी, बस जिंदा है, बस ये जिंदा रही है, बस ये बिना खाने। ये हमारे मित्र राहुल मिल चुके हो, कल मिल चुके हो, आज भी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का बोल बे, सब्सक्राइब जोर से बोल, आवाज़ नहीं आई। सब्सक्राइब प्लीज। चल, मैं भूल गया था, भूख ज़्यादा लगी थी, मैंने गाना गाना शुरू कर दिया, उधर उसको मिल गया। उधर ये देखो राहुल भी गाना गा रहा है, अपना शुरू हो चुका है। इधर दाल मखनी, पनीर, रोगन जोश, प्याज और मिर्ची, एक मिर्ची निपट चुका हूँ अभी तक। हम एक बार फिर से मेले में आ गए और ये आखिरी बार नहीं है, मतलब आज तो ये आखिरी बार है और इसके बाद अगले साल आएंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं इधर की तरफ। कल ये वाला पोर्शन कवर किया जब झूले वगैरह सब लगे हुए थे, लेकिन अभी हम ये वाले पोर्शन में जा रहे हैं और एक आध घंटा घूमेंगे और निकल जाएंगे फिर यहाँ से। मेरे साथ में लाली और पवन भैया, ये दोनों हैं, ठीक है। अरे नहीं, स्वॉर्ड 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 तलवार। चलो जी घूमो। कल रात को ना
यहाँ पर पैर रखने की तक जगह नहीं थी। मैं कह रहा हूँ ना, किसी को कुछ नहीं पता कौन कहाँ कहाँ घूम के चला गया रात को, बस घूम के चले गए। बात इतनी थी भाई। हाँ, और दुकान है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ये वाला मेला जो है हमेशा रात को ही चलता है, दिन में इस मेले में आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिना मतलब के क्यों आया फिर? नहीं, लगभग दुकानें बंद रहती हैं सारी। हाँ, दिन में आने का कोई मतलब नहीं है, रात में आओ जब भी आओ। राज दफ्तू खान आ रहा है, लेकिन मैं तो भाई जा रहा हूँ, बस घूमो। वाह, पर मेला अच्छा लगता है, घूम घूम कर घूमो। खाने की बहुत ज़्यादा दुकानें आते हैं भाई, हद से ज़्यादा दुकानें जो होती है वो खाने की होती है। भाई नटने का चबूतरा कहाँ? पिछोला झील। हाँ हाँ, चलो भाई हमने ग्रूट लिया, एक ग्रूट ले लिया, ये ग्रीन वाला भी था पर ब्लैक वाला थोड़ा, मतलब ग्रीन वाला जिसके पास था ना वो आया नहीं बंदा, तो हमने ना ब्लैक वाला ही ले लिया। मैंने कहा चलो लेना ही था तो वही ले लेना। अरे वो कल नहीं लिया, मैंने सोचा कम करेगा, किसी ने कम ही नहीं करा यार। मुझे पता था कोई भी कम नहीं। हाँ, मतलब उधर से निकला हम लिया, इधर से निकल लेते हैं, इधर से निकले। गाड़ियाँ कैसे ले लेके आ रहे हैं यार ये? ऐसे आप आइसक्रीम खाओगे? चले, और झूले वगैरह चालू हो गए और शाम होने वाली है, लोग बाग आने लग गए तो हम भी निकलते हैं। कोटा दशहरे की आखिरी झलक देख लो इस वाली हाइट से। वैसे तो मैं उस वाली हाइट से भी दिखा सकता हूँ, पर यही बात है कि मैं उधर नहीं जाना चाहता और मैं थक गया हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ गया हूँ, यहाँ की लिफ्ट मेंटेनेंस पर तो दोनों लिफ्टें बंद है इस ऑफिस की। काली और लोग वहाँ पहुँच गए। भाई तुम्हारे सर पे मेरा फोन बज रहा है यार। फोन तो दोनों हाथ में मेरे यार, इसमें नाक कट गई मेरे, सब छिल गया मेरा। होली की तैयारियां चल रही है जोरों शोरों से। तैयारियां क्या खत्म हो गई? अब तो दिवाली कर ली है, कल से दिवाली शुरू है। हाँ, पर बहुत खतरनाक ढंग से चल रही है दीपावली की तैयारी, एकदम रौनक लगी हुई है मार्केट में, बहुत दंग करवा दी। कल से धनतेरस है तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह, तो भाई हम लोग जा रहे हैं वापस से अपने घर को। कोटा में हमारे दो दिन हो गए, मतलब कल सुबह आए थे और आज शाम को हम निकल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट दो दिन, ऑलमोस्ट नहीं पूरे दो ही दिन हो चुके हैं भाई। तो बस अब रास्ते में कहीं रुकेंगे तो वहाँ मिलेंगे, वरना रिकॉर्डिंग ये जो रिकॉर्डिंग है, ये वीडियो है जो लाली रिकॉर्ड कर रही है, वही देखो।
बारह पहुँच गए हम, और हम वहाँ से निकले थे 5:30 के आसपास, और अभी 6:42 घंटे हो चुके हैं, और अभी भी हमारा लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र यहाँ से बचा हुआ है, वो कंप्लीट करेंगे और फिर घर पहुँच जाएंगे। फाइनली मतलब हम लगभग 8:30 बजे के आसपास घर पहुँच जाएंगे, और रास्ते में हमारी गाड़ी की लाइट थोड़ी कम है, तो भाई हम आराम से जा रहे हैं, इतना भी नहीं जा रहे हैं, अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है। ठीक है, बढ़िया लाली यहीं पर बैठी हुई है। तो भाई कोटा से हम झालावाड़ पहुंच के घर भी पहुंच गए हैं, मतलब झालावाड़ से थोड़ा सा दूर है हमारे, 4-5 किलोमीटर नीचे पैरों में अच्छा काट रहे हैं, सब इधर उधर हो रहा हूँ मैं, बाकी सब बढ़िया है। और सच में थक गए हैं, पूरे तरीके से थक गए हैं, ढंग से ही थक गए हैं, क्योंकि एक चीज़ तो ये कि हमें प्रॉपर नींद नहीं मिली। हम 2 बजे के आसपास आए थे मेले में से, 2 बजे हम मेले में से निकले थे, और हम 3 बजे के आसपास हम सोए होंगे, 6:30 बजे करीब मेरी नींद खुली, नींद खुल के मैंने वापस से सोने की कोशिश करी, और उतने में पवन भैया के घर पे इतने बंदर कूदे क्या बताऊँ, कितने बंदर हमारी हालत, मतलब हमें नींद ही नहीं है भाई दोबारा। तो उस चक्कर में मतलब 3 घंटे नींद कल रात को मिली, परसों रात को भी 3 घंटे नींद मिली। तो मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पर। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, जैसे मेला वगैरह देखना पसंद है, तो ठीक है, जो भी तुम्हारी मर्जी हो, तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, कल मिलते हैं, और कल कुछ तो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ, तो कल देखना। वैसे छोटी मोटी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट वो वीडियो से रिलेटेड है, तो करना सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं अनबॉक्सिंग वाला भाई। देखो अगर एक्साइटमेंट हुआ ना मेरा, मतलब जैसे वही कि भाई कंट्रोल नहीं हो रहा है, रखी हुई चीज़ अब उसको खोल के और देखना, तो हो सकता है मैं रात को खोल लूँ, लेकिन मैं डालूँगा कल वाले वीडियो में, तो कल वाला वीडियो देखना। मिलते हैं राधे राधे, कल मिलते हैं। You're praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the shade.